हेलो दोस्तों, ट्रेंडिंग एडी में आप सबका स्वागत है। संगीता बिजलानी आज यानी 9 जुलाई को 63 साल की हो गई है। उनका जन्म 1960 में मुंबई में हुआ था। बॉलीवुड की चंद फिल्मों में काम करने वाली संगीता प्रोफेशनल से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही है। उनके अफेयर्स के किस्से बी टाउन की सुर्खियां रहे हैं। हालांकि इन सब के बावजूद ना तो उन्हें सच्चा प्यार नसीब हुआ और ना ही शादीशुदा जिंदगी रास आई। बता दे कि उनकी शादी सलमान खान के साथ होने वाली थी, लेकिन एन मौके पर सब कुछ खत्म हो गया। फिर उन्होंने क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन से शादी की, लेकिन ये शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और दोनों में तलाक हो गया। उम्र के इस पड़ाव में संगीता अकेले ही जिंदगी गुजार रही है। कहा जाता है कि संगीता बिजलानी जब सलमान खान की जिंदगी में आई तब वे शाहीन जफरी को डेट कर रहे थे। उस वक्त संगीता के अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका था और काफी उदास थी, और इसी दौरान उनकी मुलाकात सलमान से हुई। संगीता सलमान में धीरे धीरे दोस्ती हुई और जल्द ही ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि शादी तक करने का फैसला ले लिया था। बात मई 1994 की है। संगीता और सलमान की शादी की डेट फिक्स हो गई थी। दोनों 27 मई को शादी करने वाले थे। कपल की शादी के कार्ड्स भी बांट गए थे, लेकिन बंधन में बंधने से पहले रिश्ता टूट गया। कहा जाता है कि संगीता बिजलानी ने खुद एक इंटरव्यू में अपनी और सलमान की शादी तय होने की बात की थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, शादी के कुछ वक्त पहले मुझे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, फिर मैंने सलमान को फॉलो किया और उनकी पोल खुल गई। कहा तो ये भी जाता है कि संगीता बिजलानी से शादी फिक्स होने के बाद भी सलमान खान सोमी आली को डेट कर रहे थे। जब ये बात संगीता के कानों तक पहुंची, तो उन्होंने बिना देरी किए रिश्ता तोड़ दिया। सलमान खान ये रिश्ता टूटने के बाद संगीता बिजलानी की नजदीकिया क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन से बरी और देखते देखते ही दोनों ने शादी कर ली। हालांकि 2010 में ये रिश्ता खत्म हो गया। अब संगीता बिजलानी अकेले ही जिंदगी गुजार रही है। बता दे कि बचपन से ही ग्लैमर की दुनिया का हिस्सा बनना चाहती थी। मॉडलिंग में किस्मत आजमाने के बाद उन्होंने फिल्म कातिल से डेब्यू किया। वे त्रिदेव, हथियार, योद्धा, खून का कर्ज, इज्जत, जुर्म जैसे फिल्मों में नजर आई। ऐसे ही चटपटी खबर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।